तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन ने हिमाचली चंबा वाले में। तो आज मैं जा रहा हूँ कुल्लू। अभी मंडी पहुँच चुके हैं, तकरीबन 12:30 हो चुका है। तो बस अभी मंडी से क्रॉस कर रहे हैं, मंडी मेन बाज़ार से यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया, तो उससे निकल रहे हैं अब। तो ये साथ में मृदुल है, ये मेरा बैचमेट ही समझ लो, और ये भाई लवदीप भाई है। लवदीप भाई हेलो। और हम जा रहे हैं कुल्लू की ओर। ये पीछे जोगिंद्रनगर बाईपास है और ये पीछे मंडी रह गया हमारा। तो आपको दिखाते हैं आगे कुल्लू का व्यू नज़ारे। ये सामने दिख रहा है आपको वाइट सी जो बिल्डिंग दिख रही है, ये भीमा काली मंदिर है। यहाँ का मंडी का बहुत ही लोकप्रिय मंदिर भीमा काली टेम्पल व्यास नदी नीचे, और ये व्यास रिवर। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया हमारे साथ एक मोटा ही सीन। मंडी में आया तो मंडी की भाषा में बात करेंगे, तो हुआ ये बताएंगे मृदुल जी। मृदुल क्या हुआ भाई? क्या हुआ कि एक्चुअल में हम रुके थे खाना खाने के लिए, ठीक है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हम हो गए अपने अपने, मैं और मनीष भाई चले गए शॉपिंग करने। बिल्कुल, हमने सामान वगैरह लिया, लवदी भाई अपने चले गए। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि हमने बंदों को उनको ना पैसे नहीं दिए, हमने खाना खाया पेट भर के, तीन तीन चार चार बार चावल लिए, चपातियां ली, खाया सब कुछ, और सेपू बड़ी तो मैंने तीन बार ली खाई, सेपू बढ़िया और चने, मतलब हर कुछ, और हमने पैसे दिए नहीं। फिर आफ्टर दैट हमें याद आई, मतलब वहां से कोई 15 किलोमीटर आगे चल के, फिर क्या हुआ कि हमारे लवदीप भाई हैं, गूगल से निकाला नंबर, वो हमें ढाबे का नाम याद था शायद भाई को, शर्मा भोजनालय नाम था। तो हमने वहां पे ना मंडी का खाना मिलता है, मंडी की दाम, मंडियाली दाम, हर कुछ होता है। मतलब कभी आप भी आओगे तो ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, बस स्टैंड के साथ में ही है। तो फिर भाई को हमने गूगल पे करे हैं, उसको कॉन्टेक्ट किया हमने और गूगल पे करे उसको, और चार जनों के हमने पेट भर के खाना खाया, और जस्ट 480 रुपीज में चार बंदों ने तो कभी मंडियाली धाम। तो सारांश इसका ये निकलता है कि कभी भी आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हो तो आप गूगल की सहायता से बंदे को पैसे दे सकते हैं, क्योंकि खाने होना के पैसे यार कभी किसी के रखने ना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छा है। तो एक हमारे लिए भी एक सीख है कि कभी भी खाना खुना खाएं तो सबसे पहले बिल पे करें, आफ्टर दैट यू जस्ट मूव। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपको, पंडो पहुंचने वाले हम, आपको पंडो डैम का व्यू भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो मिलते हैं आपको फिर। गाइस, अभी हम पहुंचे हैं जहां से मतलब लगभग आपका पंडो डैम शुरू होता है, आप कह सकते हो। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब आप यहां से ना दिखना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो हाई हिल्स जिनको आप बोल सकते हो, वो यहाँ से दिखना शुरू हो जाते हैं। ये आज मृदुल हमारा ब्लॉगर बना हुआ है यूट्यूब का, पॉइंट ये स्टार्ट आगे और देखिए पल्ली तरफ, देखिए ये रहा डैम, ये देखिए ये व्यास रिवर बना हुआ है। आज पानी बहुत ही कम हो चुका है यहाँ पे, अब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऊपर पहाड़ों में तो बर्फ जम चुकी है। मिलते हैं आपको आगे। हम पहुंच गए हैं पंडो डैम, ये BBMB के अंडर आता है डैम। ये पिछले उसमें मैंने बताया था आपको कि ये सतलुज रिवर पे बना हुआ डैम है, बट नहीं, ये ब्यास रिवर पे बना हुआ है, और ये बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ से। इस तरफ देखो ये डैम, और ये रहा डैम का व्यू, और ये सामने ये ब्यास रिवर भी बनाया गया है, और ये यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है। पूरा रोड ही यहाँ से आगे ये बंद कर दी है ना, जो EL 2950 ये यहाँ से ना पानी छोड़ा जाता है इन्हें बजे। ये पुलिस चेक पोस्ट है हमारी, और ये थी टनल वो जहाँ से वाटर आउटलेट किया जाता था, और ये जाम लगा हुआ है काफ़ी, ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ पे हमेशा रहेगी, टूरिस्ट एरिया है। ये रहा सामने माता, ढोंगी माता का मंदिर। हम पहुंच गए हैं
माता हनोगी माता के मंदिर में। ये पुराना मंदिर वो सामने रहा, ये है पुराना मंदिर। ये मृदुल और लवदीप भाई जा रहे हैं। यहाँ पे सभी जो भी कुल्लू की ओर जाता है सारे मत्था टेकते हैं। पहले ये पुराना मंदिर है, ये डैम के थ्रू इस रास्ते से जाते हैं। आपको रास्ता भी दिखाता हूँ मैं। ये है पुराना रास्ता यहाँ से ये, और ये है माता का पुराना मंदिर। रोप वे है यहाँ पे ना? हाँ रोप वे है ये, रोप वे से जाते हैं। हाँ रोप वे से जाते हैं। यहाँ पे जगराता होता है नवरात्रों के टाइम, और ये सराय है यहाँ पे सरकारी। और ये मृदुल यार ये बाय वोट जाते हैं, यहाँ से वोट जाती है ना, फिर वो रास्ता बना हुआ है। वो देखिए वो रोप वे बना हुआ है सामने, वो ग्रीन सा आपको दिख रहा होगा। ये जय माता दी। तो फ्रेंड्स अब दर्शन करते हैं माता जी के, और उसके बाद निकलते हैं जल्दी से कुल्लू की ओर। तो ये है माता का मंदिर। जय माता रानी। ये लवदीप भाई है हमारे। जय महादेव। यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक जाम होता है, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम। तो हम निकल चुके हैं माता के दर्शन करने के बाद कुल्लू की ओर। यहाँ से कुल्लू मात्र 42-43 किलोमीटर बाकी है। और ये सामने आपके अभी ये टनल, जिनके द्वारा हमारा मंडी से कुल्लू का रास्ता कुछ ही मिनटों में संभव हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा दूरी कम हो जाएगी यहाँ से। ये शायद मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हिमाचल गवर्नमेंट का, बट आता है NH के अंडर है। ये देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन का काम किया जा रहा है, ये एग्जॉस्ट फैंस लगे इतने बड़े बड़े। ये टनल है जो आगे जाके मिलेगी। वैसे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो रही है, काम तो ज़्यादा ही अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी को जय श्री राम। चंडीगढ़ मनाली ले हाईवे बन रहा है, ये फ्लाईओवर। और ये हम पहुंच चुके हैं भूंतर। ये सामने भूंतर, यहाँ पे हवाई अड्डा भी है, एयरपोर्ट भूंतर एयरपोर्ट। वो सामने बिजली महादेव का मंदिर, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो जो टावर दिख रहा है ना, ये बिजली महादेव मंदिर का। बहुत ही जय महादेव। हर हर महादेव शंभु कैलाश वासी जय। 500 मनाली से ऊपर कुल्लू यहाँ से मात्र 19 किलोमीटर दूर बचा है। वो सामने आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और सामने आपको शायद टावर सा दिख रहा हो। तो ये बिजली महादेव का टेंपल है यहाँ पे। देखिए देवता भी जा रहे हैं दशहरे के लिए, और ये दशहरे में जा रहे हैं। जय पिट्ठू नारायण। और ये डाइवर्जन यहाँ से ले भी 485 किलोमीटर दूर है। तो यही है मनाली ले हाईवे भी यही है। यहाँ से आगे ओट से आगे आपको हाईवे बिल्कुल A1 मिलेगा, 4-lane हाईवे। ये वेलकम करता है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। यहाँ से रास्ता जाएगा आपका, और ये गया है टनल में। ये ओट टनल के नाम से जानी जाती है टनल। ये सबसे पुरानी टनल है जो मंडी को कुल्लू से जोड़ती है, और ये लगभग मेरे हिसाब से 2-2.5 किलोमीटर दूर दूरी पे है। 1700 मीटर लंबाई है इस टनल की। तो ये बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था। और ये टनल अब इसका टनल का एंड हुआ है। ये 1700 मीटर तो मेरे को लगी नहीं मृदुल भाई ना,
ये कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे लंबी है, इतनी दूरी तो होगी होगी इसकी। और ये हम पहुंच चुके हैं ओट में। यहाँ पे अब हम चाय चुए पीते हैं। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, चाय पकौड़े की दुकान है आगे मेन बाजार में। यहाँ से व्यू देखिए, वाह जस्ट। और मौसम देखिए, आसमान देखो कितना नीला नीला, नीले नीले अंबर में। और ये शायद रास्ता जो है सैंज की ओर जाता है, सैंज ये। और ये गया है कुल्लू की ओर रास्ता। ये है कुल्लू का मेन बाजार। ये है मेन चौक। दशहरा फेस्ट की तैयारी चल रही है। यहाँ का इंटरनेशनल फेयर है दशहरा, जो 5 तारीख से स्टार्ट होगा। यहाँ कुल्लू के दशहरा की स्पेशलिटी ये है कि पूरे देश में दशहरा जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे शुरू होता है। ये सामने ढालपुर मैदान, ये कुल्लू, मेन कुल्लू में पहुँच चुके हैं हम। तो मिलते हैं फिर आपको आगे। यहाँ से दशहरा के दिन रथ यात्रा स्टार्ट होती है राम भगवान की। ये है कुल्लू का मेन माल रोड। और यहाँ पे मैगी का लुत्फ उठाया जा रहा है। और ये इस यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही है। हम पहुँच गए हैं कुल्लू देवधाम के पास। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। कल हमें मौका मिला तो हम भी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाएंगे। क्यों लवलीज भाई? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो। तो अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं कुल्लू 2-3 दिन कुल्लू में ही हूँ, तो आपको दिखाएंगे कुल्लू में हम कैसे किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं सभी फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल को हिमाचली चंबा वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।